और लड़के को एक आके भाई तुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है तू खेत में ही काम कर तू दूसरे का नौकर मत बन तू दूसरे को रोजगार दे यहाँ पर आज अगर दस जनों को रोजगार दे रहा है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है और अपने तो मैंने अपनी बच्ची के दहेज ना दे करके एक पाँच सौ इक्यावन पेड़ समधी जी को दिए और जो तीन सौ बरती आए उनको भी दो दो पेड़ दिए एक नींबू का एक अनार का जो आज हमें याद कर रहे हैं जो आस पड़ोस के सब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाला करते थे तो मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजती थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे शुरू में अगर किसी से दस रुपये भी मांगे तो उसने नहीं दिए कि दे गए कहाँ से और आज अगर किसी को लाख रुपये के लिए बोलो तो वो पाँच लाख देता है क्योंकि उनको पता है ये कमा रहे हैं तो ये हमें दे सकते हैं तो वो घंटे भी अगर अपने जमीन में काम कर लिया तो हम आगे बढ़ सकते हैं और नौकरी में अगर हम पूरे बारह घंटे करेंगे तो भी उसे बीस पच्चीस हजार रुपये मिलेंगे नमस्कार भाई इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉक में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के एक ऐसे गाँव में जहाँ पर कोई मार्केट नहीं है कोई मॉल नहीं है कोई शॉपिंग मॉल नहीं है कुछ कुछ भी नहीं है यहाँ पर जहाँ पर मैं आपको ऐसी महिला किसान से मिलाऊंगा जो साल का चालीस से पचास लाख रुपये कमाती है लगभग पाँच बीघे की खेती में अगर आप इस तरह का कुछ करना चाहते हैं अपने गाँव में रहकर ही तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं क्या आप ऐसा कर सकते हैं तो पूरी जानकारी से बात करेंगे पूरे डिटेल में हम बात करेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं नमस्कार किसान भाइयों मेरा नाम संतोष खेदड़ है गांव बेरी जिला सीकर राजस्थान से मैं बोल रही हूँ शेखावाटी कृषि फार्म से मैं बोल रही हूँ मैडम जी, जी।, जी शुरुआत कैसे हुई इस काम की क्योंकि जो ये काम आप करे इतना आसान भी नहीं था आप कमा रहे हैं साल का चालीस पचास लाख रुपए कमा रहे हैं सुनने में अच्छा लगता है लेकिन करने के लिए उसके पीछे बहुत मेहनत और बहुत लगन की जरूरत होती है तो शुरुआत कैसे हुई वो एक बार जरा बताइए शुरुआत कहते हैं ना कि इस खेती में जो काम करता है उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो हमने 2008 में इसे शुरू किया था मेरे पति होमगार्ड की नौकरी करते तब मैंने शुरू किया था तो ट्यूबवेल बना करके इंजन सेट से तीन साल तक सीता तो सींचने के बाद जब हमें ग्यारह में उत्पादन मिला तो कहते हैं कठिनाइयाँ है बहुत झेलनी पड़ती हैं जब मैंने ड्रिप सिस्टम लगाया तो सब ने ताने उड़ाए कि भाई आप ड्रिप सिस्टम लगा रहे हो सांप बिछा रहे हो अनार जड़ में लगेंगे या पेड़ में लगेंगे तो लोगों की सुन सुन करके कहते हैं पक जाता है किसान तो ये सुन करके मैंने पीछे नहीं मुड़ के देखा क्योंकि हमें आगे बढ़ना था तो इसी खेती में लगे रहे मैं मेरे पति मेरे बच्चे हम सब इसी खेती में लगे रहे लेकिन मेरे पति का सबसे ज्यादा सपोर्ट था क्योंकि वो कहते थे हमें आगे बढ़ना तो खेती में लगे रहकर ही बढ़ना है ना कि मैं कहीं नौकरी जाके करूं तो हम सभी इसी खेत में लगे रहे तो मैम जैसे अभी आपने हमें बताया कि आपके बच्चे भी अच्छे खासा पढ़े लिखे हैं आपने उनको ये शिक्षा दी है की आप जॉब ना करें आप अपने गांव में ही रहें खेती बाड़ी करें तो क्या इसकी से सिद्धांत है क्या मकसद है आपका आजकल लोग इंजीनियर करके बाहर जाते हैं नौकरी करते हैं लेकिन आप गांव में रहकर ही अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया सब कुछ अब खेती बाड़ी उनसे करा रही हैं मैंने सबसे सुना था कि ये खेती घाटे का सौदा है लेकिन मैं इसको नहीं मानती क्योंकि मैं आज खेती से ही इतना कमा रही हूँ तो मैंने अपने लड़के को और एक बच्ची को एग्रीकल्चर से बी करवा के लड़की को तो मैं अपने पैरों पर पे खड़ा करना चाहती थी कि ताकि वो ससुराल में जा के किसी के आगे हाथ ना फैलाए तो मैंने अपनी लड़की को तो एग्रीकल्चर से सुपरवाइजर बना दिया नौकरी लगा दिया और लड़के को एक आगे वही तो जो नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है तू खेत में ही काम कर तू दूसरे का नौकर मत बन तो दूसरे को रोज़गार दे यहाँ पर आज अगर दस जनों को रोजगार दे रहा है तो इससे अच्छी वो बात और क्या हो सकती है और अपने खेत में सब अपने एक साथ परिवार पूरा काम कर रहा है तो ये मैंने अपने बच्चों को शिक्षा दी है दूसरा जब आपने अपनी बेटी की शादी करी तो उसमें दहेज ना देके आपने प्लांट उनको दिए जो बराती पक्ष के लोग थे वो क्या किस्सा है वो किस्सा ये रहा कि मैं चाहती थी कि अपना जो पर्यावरण है ये दूषित ना हो और एक दहेज के लिए किसान इतना पैसा इकट्ठा कहाँ से कर सकेगा क्योंकि तीस चालीस लाख रुपए लगते हैं एक बेटी की शादी करते हैं तो और उसमें भी ज्यादा ही लगेंगे तो मैंने अपनी बच्ची के दहेज ना दे करके पाँच सौ इक्यावन पेड़ समी जी को दिए और जो तीन सौ बरातिया आए उनको भी दो दो पेड़ दिए एक नींबू का एक अनार का जो आज हमें याद कर रहे हैं और मेरे जो समी जी हैं वो भी आज खेत में वो भी खुद कमा रहे हैं उन्होंने भी बगीचा तैयार कर रखा है आपकी एजुकेशन है था मैं? मेरी एजुकेशन टेंथ क्लास पास है और मैं ग्यारहवीं क्लास में जब हुई तो ससुराल वालों ने पढ़ाई छुटा दी कि भाई खेती में ही काम करना तो मैंने भी खेती में ही काम किया बड़े बड़े लोग इतना नहीं कमा पाते हैं हिम्मत सबसे बड़ी बात है हिम्मत करना लोग हिम्मत नहीं कर पाते लोगों के पास जमीन भी है जायदाद भी है पैसा भी है लेकिन आप कम पढ़ी लिखी हैं कम जमीन थी उसके बाद भी ये ये हिम्मत कहां से आई सबसे सब पहले बताइए इसके पीछे हिम्मत मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो सबसे ज्यादा हिम्मत मेरे पति की रही है क्योंकि वो मुझे हर जगह सपोर्ट करते थे जब वो सिक्कर जाते थे तो कहते थे कि भाई पीछे का ये काम है तो ये करना था मैं पूरे मेहनत लगन से काम किया करती थी और एक इंसान का जुनून होता है की वो आगे बढ़े और अपने बच्चों को आगे तक पढ़ा सके क्यूँकी पहले जब जो आस पड़ोस के सब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाला करते थे तो मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं भी चाहती थी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं लिखाऊँ तो मेरा यह सपना था कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके मैं आज उनका नाम रोशन कर सकूँ तो वही मैंने क्या मैं कहते ना चीटी पहाड़ पर चढ़ती धीरे धीरे चढ़ेगी तो ही वो आगे बढ़ सकती है तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा मैं आगे ही बढ़ती रही जितनी जो मुसीबतें आई वो सहन करते रहे अगर पैसे की दिक्कत आई तो कर्जा ले लिया लेकिन कहते हैं ना जब गरीबी होती है तो गरीब को ना तो कोई देखना चाहता है और ना उसको कुछ देना चाहता है शुरू में अगर किसी से दस रूपये भी मांगे तो उसने नहीं दिए कि दे गए कहा से और आज अगर किसी को लाख रूपये के लिए बोलो तो वो पांच लाख देता है क्योंकि उनको पता है ये कमा रहे हैं तो ये हमें दे सकते हैं तो मैं चाहती हूँ कि गरीबी को अगर छोड़ना है तो हमें बागवानी में आना पड़ेगा और सब मेहनत करते रहेंगे अपनी मेहनत है अगर हमने दो घंटे भी अगर अपने जमीन में काम कर लिया तो हम आगे बढ़ सकते हैं और नौकरी में अगर हम पूरे बारह घंटे करेंगे तो भी उसे बीस पच्चीस हजार मिलेंगे तो मैं चाहती हूँ अपनी जमीन में रहकर ही हम सब कुछ कमा सकते हैं मैम अक्सर देखा गया है जब लोग गाँव या शहर की दोनों की बात में कर रहा हूँ जब कोई काम करता है तरक्की की तरफ बढ़ता है या कोई शुरुआत करता है काम तो गांव हो या शहर लोग कहते हैं अरे वो ये तो बाबूजी बनेगा ये तो ये तो ये करेगा ये तो वो करेगा तो ऐसा भी कुछ आपके साथ हुआ मतलब लोग ना उनको प्रोत्साहन के जगह उनको डीमोटिवेट करते हैं तो कुछ ऐसा भी हुआ आपके साथ में कि लोगों ने आपका मजाक उड़ाया और आपको डीमोटाइज किया जी वो शुरू शुरू में तो कहते हैं सभी का मजाक उड़ाते हैं ये बगीचा लगा रहा है देखेंगे कहाँ नार लगेंगी ये ड्री बिछा रहा, बिछा रहा है तो क्या शुरू शुरू में तो सभी का होता है लेकिन बाद में जब उसकी तरक्की होती है तो सभी ये देखते हैं कि भाई आज इसने इतनी तरक्की कर ली अगर आज हम भी इसके साथ चलते तो हम तरक्की कर सकते थे उन्हें बाद में धोखा होता है जी तो मैं चाहती हूँ बाद में धोखा ना करके पहले ही आगे बढ़ो सब साथ मिल करके हम काम करें तो आगे बढ़ सकते हैं तो ऑल ओवर की बात करें कितना मुनाफा ले रहे हैं अभी अभी हम ऑल ओवर की बात करें तो हमारे पास इस साल बहुत ज़्यादा तैयार हो रही है तो इसलिए चालीस से पचास लाख रुपए का टारगेट आ रहा है और किसान भाइयों को, तो को सब्सिडी मिलेगी और शेखावाटी करम से हमने अपनी एक वेबसाइट भी बना रखी है और यही हमने एक चैनल बना रखा है जो किसान भाई कुछ भी अगर उसमें देखना चाहे कैसे हम खाद बना सकते हैं पेड़ लगाने से लेकर के सारी प्रक्रिया बता देते हैं क्या 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 लगा हुआ है हमारे बाग में नींबू मौसम में अनार सेब अमरूद चीकू थाईबेर हर वेरायटी के प्लांट लगे हुए हैं और हर पे फल आए हुए हैं किसान भाई आकर के यहाँ देख सकते हैं अगर हम इसी पेड़ की बात करें इसका स्टार्टिंग से लेकर प्रोसेस बताइए कितने दिन में बड़ा होता होता है 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 फल फल देना स्टार्ट होता है, कितना फल लगता है, इसके है। अब शुरू से बात करें तो शुरू से हम तीसरी साल फसल लेंगे तो तीसरी साल इस पे बीस से पच्चीस किलो आएगी उसके बाद अगले साल अगर फिर चार साल का होगा फिर पाँच साल तो पाँच पाँच किलो के एवरेज से हम इसे बढ़ा सकते हैं क्योंकि ज्यादा लगेगा तो ये टूट जाएगा पर तो इसलिए फिर हम पचास किलो तक इस पर रख सकते हैं साठ किलो भी रख सकते हैं इससे ज्यादा हम नहीं रख सकते क्योंकि अगर आंधी आएगी तो ये टूट जाएगा अभी यह टहनिया इसके ऊपर इतने लगे हुए लेकिन ये झुक करके बारिश तभी टूटे को तैयार हो जाएगी क्योंकि एक एक की साइज आधा आधा किलो तक की हो जाएगी अब भी इसकी 200 से 300 ग्राम तक की साइज बन जाएगी तो इस पेड़ से कितनी आमदनी हो जाती है आपको अब, अब इस, इस पेड़ से देख सकते हैं आप हमारी सौ रुपए किलो जाएंगे तो 50 किलो एक प्लांट पे हमारे आ रहा है तो इसका आप कैलकुलेशन कीजिए एक पेड़ पे किसी पे चालीस आएगा तो किसी के पचास आएगा तो हम पचास का समथिंग अगर मान के चलते हैं तो वो चलेंगे अगर चालीस का मान के चलेंगे तो वो आप कैलकुलेशन निकाल सकते हो तो दोस्तों मैं यहाँ पर बताऊँ जो मैम के जो जो भी फ्रूट्स हैं वो मार्केट से डबल रेट पे मिलते हैं अगर मार्केट में ये अनार मिल रहा है सौ रुपए का तो लगभग पौने दो सौ दो सौ रुपए किलो सेल होता है अगर मौसमी की बात करें पचास मिल रहा है तो सौ मिलती है यानी जो कस्टमर है वो सीधे मैम के यहाँ पे जो फार्म है फार्म पे ही आके पे लेके आते हैं कोई इनको मार्केट की बाहर ले आने की जरूरत नहीं ये फार्म से बाहर आज तक नहीं गई है मार्केट करने के लिए क्यों मैम ऐसा ही है जी बिल्कुल सही है आपका क्योंकि जहर कोई नहीं खिलाना चाहता है सभी को जैविक चाहिए तो एक इनकी खास बात ये रहती है कि इसको अगर तोड़कर हम एक महीने तक रखेंगे तो ये खराब नहीं होगी और इसका टेस्ट इतना है कि बिना दांत वाला इंसान भी इसे खा सकता है क्योंकि इसके अंदर काट नहीं है बिल्कुल भी इतना सॉफ्ट दाना है इसका तो इसलिए एक कहते हैं ना कि किसान के अगर एक इंसान के मरीज है वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसमें खून बढ़ने के लिए वो अनार, अनार ही बताता है जी जी तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि किसान भाइयों को अगर अनार लगाने हैं तो सबसे ज्यादा आगे बढ़े और अनार में हम पेड़ से लेकर के पौध पर भी आ सकते हैं तो मैं चाहती हूँ किसान भाइयों को आगे बढ़ना है, बागवानी में आप पौध भी देते हैं आप ट्रेनिंग भी देते हैं आप सारी चीज़ें हेल्प करते हैं अच्छा हम किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं कितने पेड़ से शुरुआत करें मौसमी से करें या संतरे से करें या फिर अनार से करें किसान भाई किसी भी चीज़ से कर सकता है अगर कम मेहनत करनी हो तो वो मौसमी से शुरू कर सकता है क्योंकि नींबू मौसमी में बिल्कुल मेहनत नहीं है और एक इनके अंदर ना नेट डालने की ज़रूरत है क्योंकि उसे पक्षी नहीं खाएगा अनार की खास बात यह है कि इस पर नेट डालना पड़ेगा इस पर नेट नहीं डालेंगे इसे तो इसे तोता काट के डाल देगा तो इसलिए जो किसान भाई हो अगर कई नौकरी कर रहा है या कम मेहनत करना चाहता हो तो मैं चाहती हूँ वो नींबू मौसमी लगाए और अगर मेरी तरह मेहनत कर सकते हैं तो वो अनार लगा सकते हैं कोई भी चीज़ लगा सकते हैं मेहनत पे डिपेंड करें मैडम आखिरी क्वेश्चन हर बिजनेस में आदमी ने कभी कभी ऐसा एक मोड़ आता है जो आदमी सोचता है कि काम छोड़ दूँ मैं तो कभी आपकी जिंदगी में ऐसा आया कि मैं छोड़ दूँ काम मेरे बस के नहीं है मैं मार्केट नहीं कर पा रही हूँ बेच नहीं पा रही हूँ ये तो पहले शुरुआत में जब मैंने पेड़ लगाए थे उस समय जरूर दिक्कत आई थी क्योंकि जब पेड़ थे इन पर मुड़ाव आ गया था नीचे दिमक की सी थोड़ी सी होने लगी थी तो मन में ये हुआ कि हमने क्यों पेड़ लगाए लेकिन हमने अधिकारियों से पूछा तो अधिकारियों ने भी कहा कि भाई तुम इतनी मेहनत कर रहे हो एक बार मोड़ सब पे आता है आप तो लगे रहो तो हम फिर हमने यही छोड़ दिया कि चलो लगे रहना है अपने को तो तो हम लगे रहे और ये जो मोड आता रहा उसको भी सहन करते रहे तो हम पीछे नहीं हटे आज आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं जी धन्यवाद मैम आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और लोगों का भी मार्गदर्शन किया बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद तो दोस्तों ये था एक छोटा सा प्रयास आप तक ऐसे फार्मर तक पहुँचाना कि आप सीधे इनसे मिल सकें जुड़ सकें अगर आपको वीडियो अच्छी चलेगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करना दोस्तों में शेयर जरूर करना साथ में कमेंट करके जरूर बताना एक नए ब्लॉग में नई वीडियो में एक नए सफर में बहुत जल्द मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद